नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सिलेक्शन मेंटर पे आप सब लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आया हूँ। और जैसा कि आपको अभी तक मेरी आवाज़ सुनने से ही पता चल गया होगा कि मैं अंकुश शर्मा सर नहीं बोल रहा हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को इस चैनल पर अंकुश सर की आवाज़ सुनने की आदत ज़रूर हो गई होगी, और आप उम्मीद भी करेंगे कि वही अगर आपको जो है कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो काफ़ी अच्छी रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी ये सिलेक्शन मेंटर चैनल है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि अभी जो चैनल देखा जाए तो ये जो सिलेक्शन मेंटर था दोस्तों, ये RRB NTPC को लेकर के भी आपके सामने आ रहा है। अभी इससे पहले जो था वो FCI को लेकर के ये चैनल बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत सहायता करता था। आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से FCI की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन अब हम FCI तो रखेंगे, बैंकिंग सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको भी आगे फॉलो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी हमारे सामने आई है, हालांकि वैकेंसी तो काफ़ी पुरानी है लेकिन इसका एग्ज़ाम रिसेंटली बहुत ही कम ही समय बचा है उसका एग्ज़ाम होने के लिए, तो उस वैकेंसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने FCI के फॉर्म भरे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो FCI का फॉर्म भरते हैं साथ ही साथ उन्होंने RRB NTPC का भी फॉर्म फिल किया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों ने RRB NTPC का फॉर्म फिल किया हुआ है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। और सिलेक्शन मेंटर जो है वो RRB की भी तैयारी कराने के लिए शुरू हो गया है। दोस्तों, आप लोग जो भी कमेंट करते हो ऐसा नहीं है हम लोग देखते नहीं हैं। अंकुर सर ने बहुत मेहनत करी आप लोगों के साथ में, बहुत तैयारी उन्होंने अकेले करा करके आप लोगों का सिलेक्शन कराया, अकेले बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने आज दिन तक बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको आफ्टर सिलेक्शन भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो भी सेलेक्टेड हैं FCI में, तो उनको जॉब के बाद जो समय मिलता है वो उसी में ही इस चैनल पर अपडेट कर पाते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसकी वजह से थोड़ी बहुत हो सकता है आपके पास शिकायतें हों कि सर जो है कभी कभी डिले कर जाते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, या कुछ एकाध कोर्स बीच में शुरू किए होंगे और वो कंप्लीट नहीं करा पाए होंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसा उनके साथ दिक्कत हो गई होगी। तो ये दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो चैनल अब हम बढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन मेंटर जो बढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे, डिफरेंट ब्रांचेज में भी जाएंगे। अब हमारे पास में और अच्छी सी टीम भी है, तो अकेले अंकुर सर अब परेशान नहीं होंगे, और भी लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए, जिसमें से एक मैं हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँगा, पर पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सुन लेते हैं क्या है। RRB NTPC के बारे में आपने अभी हाल ही में खूब न्यूज़ सुनी होगी, तो दोस्तों हम उसी न्यूज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए हैं। अगर देखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में सबको जानकारी होगी शायद। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आप RRB NTPC का इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर सामने, इसमें अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम डेट फॉर RRB NTPC CBT 1। तो क्या हम इसमें बता सकते हैं आपको, थोड़ी देर अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एग्जामिनेशन की जो है वो डेट एक्सपेक्टेडली क्या हो सकती है। उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ क्यों नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो RRB NTPC का जो ये नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन 28th of February 2019 को जारी किया गया था, और आपने फॉर्म भरने की जो डेट है, वो फॉर्म भरने की जो डेट की शुरुआत हुई थी वो 1 मार्च, लगभग आज से एक साल जो है वो हो रहा है, 1 मार्च 2019 को जो है ये फॉर्म भरने के लिए फॉर्म शुरू हुआ था। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2020 में हम आ चुके हैं और अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। उसका बेसिक रीज़न ये था कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो एजेंसी है वो अभी RRB के पास नहीं थी। जो इससे पहले एजेंसी कंडक्ट कराती थी, TCS कंडक्ट कराती थी, उसके साथ टाइप पूरा हो चुका था, तो यहाँ पर जो है अब एक नई एजेंसी को चूज़ करने की वजह से डिले हो रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको जानने को मिलेगा कि RRB को जब उसका टेंडर ये जो जारी हुआ है, इसकी वजह से जब उसका जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है, जिसको हम शॉर्ट में ECA बोलते हैं, ECA मतलब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, तो ये जो ECA जब उसे मिल एजेंसी जब उसे मिल जाएगी, तो आखिर RRB सबसे पहले किसका एग्ज़ाम कराएगा, तो RRB एग्ज़ाम किसका कराएगा, ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। आज के इस नोटिफिकेशन में हम लोग इसी जानकारी को देंगे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये जो जानकारी है मैं आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि RRB की तरफ से हम लोग बहुत अच्छी से तैयारी करने वाले हैं आगे, इसलिए आपको कोई अपडेट मिस ना हो जाए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं यहाँ पर, क्या महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ।
सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आखिर ये टेंडर जो है ये क्या है, इस टेंडर को मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। सो इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसकी तरफ चलते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आरआरबी की वेबसाइट से। देखिए आपको डाउनलोड करके मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आरआरबी की जो वेबसाइट है उसे भी डाउनलोड करके ये नोटिफिकेशन रखा हुआ है। और ये जो नोटिफिकेशन है बेटा, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई लिखा हुआ है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई, टेंडर नोटिस नंबर आरआरबी चेन्नई CEN01-2019 ECA डेटेड 2/3/2020। तो दोस्तों इसमें मुख्य बात ये है कि ये जो देखिए ये जो नंबर वन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉलम नंबर वन में, रो नंबर वन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ वर्क, तो नेम ऑफ वर्क जो है वो यही है कि मुख्य रूप से टेंडर जो है वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को हायर करने के लिए है जो कि CBT करा सके। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो NTPC के करा सके। तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर CBT के जो जो होंगे उसकी कंडक्ट कराने की जो एजेंसी है उसको हायर करने के लिए एक टेंडर नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस में मुख्य बात यह है, बाकी तो आप इसको पढ़ लेंगे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा हमारे आपके काम की नहीं है जानकारी, लेकिन यहाँ ये जो इसके कॉलम नंबर रो नंबर आप 7, 8, 9, 10, 11 में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे लिखा है डेट ऑफ इश्यूर ऑफ द टेंडर, ये 2 तारीख यानी कि कल की डेट में ये हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 12 तारीख है, टेंडर सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, क्वेरीज वगैरह जो है एप्लीकेशन जो है वो जारी करने की जो है लास्ट डेट 12 तारीख है। प्री बिड कॉन्फ्रेंस जो है वो उसकी डेट जो है 24 मार्च है। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट, रिलीज ऑफ रिस्पॉन्स एंड क्लेरिफिकेशन ऑन प्री बिड क्वेरीज दैट इज ऑफ 7th of April 2020। और साथ ही साथ यहाँ पर हमको 11th नंबर में और 12th नंबर में हमको ये पता चल जा रहा है कि लगभग 3 बजे दोपहर तक, दोपहर 3 बजे 16 तारीख को हमको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर आरआरबी की तरफ से कौन, आरआरबी की तरफ से कौन सी एजेंसी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए सामने आएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में अभी अभी हमने नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया है कि उसको जल्दी ही एक टेंडर मिलने वाला है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। दोस्तों अभी तक एग्ज़ाम ना हो पाने की यही एक बड़ी वजह थी। अब बात कर लेते हैं कि NTPC पहले होगा या ग्रुप डी। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं है जो ये बता सके कि NTPC का एग्ज़ाम पहले होगा या ग्रुप डी, लेकिन चूंकि जो NTPC में जो फॉर्म भरने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या कहीं किसी और से बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है पहली चीज़। दूसरी चीज़ NTPC का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो 2015 में ओपन हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 2016-17 में कंडक्ट हुआ था। तो तब से लेकर के 2015 से लेकर के आज 2020 हो रहा है, अभी तक NTPC की दोबारा कोई भर्ती नहीं हुई है। तो ऐसा माना जा सकता है कि NTPC में CBT 1 जो है वो पहले होने की संभावना है। सो उम्मीद करेंगे कि NTPC का जो है CBT 1 है ये पहले होगा और ग्रुप डी शायद जो है थोड़ा बाद में होगा या दूसरे एग्ज़ाम जो है थोड़े बाद में होंगे। जो भी हो NTPC के बारे में हमको मालूम है, सिलेबस भी हम लोगों को मालूम है। NTPC में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बेटा NTPC के सिलेबस में अगर देखा जाए तो आपका GS आता है, जनरल स्टडीज़, इसके अलावा रीजनिंग आता है, इसके अलावा आता है मैथ्स। और अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि ये जो एग्ज़ाम होना है, ये जो एग्ज़ाम होना है एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम की डेट अभी टेंटेटिव है, या कह सकते हैं टेंटेटिव मंथ्स हैं अगर देखा जाए तो, कुछ क्लियर नहीं है कि कब वो एग्ज़ाम कराएगा। लेकिन हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था तो मैंने आपको बताया कि अप्रैल में जा करके, मिड ऑफ अप्रैल में जा करके टेंडर जो है वो कम्प्लीट होगा, टेंडर का जो ये प्रोसीजर है वो कम्प्लीट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि टेंडर प्रोसीजर कम्प्लीट होने के बाद एटलीस्ट वन मंथ कम से कम 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। सो आज की डेट से अगर हम जोड़ें तो 2.5 मंथ्स, दो यानी कि ढाई महीने जो हैं ये कहीं नहीं गए हैं हमारी तैयारी के लिए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी पिछले 1 साल से लोग कर रहे हैं और करते करते तैयारी खूब सारी कर ली है और अब तैयारी करके वो एकदम सैचुरेट हो गए। सैचुरेट होने की कंडीशन ही सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गई है। खतरनाक यूँ हो गई है कि लोगों ने अब तैयारी करना छोड़ दिया है, क्योंकि कई लोग तो आरआरबी पे गुस्सा भी होने लगे, पता नहीं कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कब नहीं करूँगा। तो यहाँ पर एक नई कह सकते हैं कि उम्मीद जगी कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो जो लोग सेचुरेट हो गए हैं वो बहुत डेंजर जोन में पहुँच गए हैं दोस्तों। सो ऐसे लोगों की तैयारी करने के लिए हम सिलेक्शन मेंटर जो है आपके साथ हैं और फिर से एक बार जो है हम प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक तरीके से अंतिम चोट होगी। दोस्तों इस 2.5-3 महीने में हम तैयारी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे केवल प्रैक्टिस सेट
और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जितनी भी ये सिलेबस है, जीएस का, रीजनिंग का और मैथ्स का जो सिलेबस है, इसको कवर करेंगे विद इन 2.5 मंथ, और इसको इस तरीके से फिनिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एग्जाम में कर आए, क्योंकि बेसिकली ये जो तैयारी है वो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर होगी और इसके आधार पर बनाए गए जो सेट पेपर हैं उनके आधार पर होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डेली 1 से 2 सेट हम लोग यहाँ पर डेली सॉल्व करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर आइए, डेली पेपर सॉल्व करिए हमारे साथ। जैसे एफसीआई में आप लोगों ने पूरा जोश जज्बा दिखाया है, वैसे ही यहाँ पर हम आरआरबी एनटीपीसी में जोश और जज्बा दिखाएंगे और झंडे गाड़ करके रहेंगे। जैसे हम लोगों ने एफसीआई में झंडे गाड़े हैं, वैसे ही जो है हम यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में भी झंडे गाड़ करके रहेंगे। सो उम्मीद करेंगे दोस्तों, ये जो आपका अंतिम समय है इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करिएगा, अदरवाइज जो है ये आपके लिए घातक हो सकता है। कई लोग सीढ़ियों पर अंतिम पग जो रखते हैं वो सही से नहीं रखते हैं, इसलिए काफ़ी ऊपर से गिर पड़ते हैं। सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची थी, 1 साल का समय लग गया, लेकिन अब अंतिम पग रखने की बारी आ रही है, इसलिए तो बहुत ही संभाल के रखिए और बहुत ही सोच समझ के कदम रखिए। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करेंगे कि मिलेंगे हम आप सब बहुत सारे लोग इस नए जो रूप है आरआरबी का लेकर के, नया फॉर्मेट लेकर के जो हम सिलेक्शन मेंटर का आए हैं, इसमें उम्मीद है कि आप उनसे मुलाकात होगी। दोस्तों अगर इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, और यदि अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो हम लोग आरआरबी के जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उसका जो पीडीएफ है ज़रूर आपको प्रोवाइड कराएंगे, और वो पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। सो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे नीडफुल कैंडिडेट्स के पास भी जा सकती है। सो उम्मीद करेंगे कि आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ लीव अ शॉर्ट कमेंट, एंड मैं और हमारे जो साथ में और जो मेंबर्स हैं सिलेक्शन मेंटर के, वे आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।